एवरीवन, वेलकम ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं हूँ श्रेयसी कोलकाता से। सो आज मैं फिर से आप सबके साथ एक बेबी केयर वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो होगा बेबी बाथिंग रिलेटेड चीज़ें। सो बेबी को जब हम लोग नहलाते हैं, छोटे बेबी को या फिर न्यू बॉर्न बेबी को, सो हम लोग को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि वो उन लोग का नेक जो है बहुत ज़्यादा मतलब नाजुक होता है, उनका पूरा बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, और नहलाने के टाइम पे साबुन में पानी में बिल्कुल भी उन लोग को चोट ना लगे। सो इस तरीके से हम लोग को ध्यान रखना होता है। सो उसी रिलेटेड मैंने कुछ चीज़ें अमेजन से मंगवाए हैं, जो कि मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगी, ताकि अगर आपके घर पे भी ऐसे छोटे बच्चे हैं या फिर न्यू बॉर्न बच्चे हैं, सो उन लोग के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा और बहुत कम्फर्टेबली सेफ तरीके से आप अपने बेबी को नहला सकते हैं। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो भी प्रोडक्ट्स मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, उस सभी के परचेज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूँगी, सो आप लोग चाहे तो वहां से चेक कर सकते हैं और अपने बेबी के लिए परचेज कर सकते हैं। यहां तक अगर आप किसी को गिफ्ट भी करना चाहते हैं तो भी ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है और बहुत ज्यादा यूजफुल भी है। सो आप किसी को गिफ्टिंग के लिए भी ये कंसिडर कर सकते हैं। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ये वीडियो देख रहे हैं, सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अगर अच्छा लगेगा सो इसे भी ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले जो मैं आप लोग को दिखाना चाहती हूँ वो है एक बेबी बाथर। सो बेबीज़ जब बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं तो उन लोगों को आप मतलब वो लोग बैठ नहीं पाते हैं, उनका नेक जो है वो बहुत ज़्यादा नाजुक रहता है, स्टिफ नहीं रहता है। सो इसलिए आप जो बाथटब वगैरह होता है उसमें नहलाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बेबी स्लिप होने का चांस रहता है। सो इसलिए मैंने जो है वो एक बेबी बाथर मंगवाया है सबसे पहले। सो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। सो ये देख सकते हैं, ये लव लैब ब्रांड का है और इसका जो प्राइस है वो है 899 रुपीज़। मैंने ये अमेजन से मंगवाया है। सो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, आप ले सकते हैं। सो सबसे पहले इसका जो है मैं डिटेल्स आप लोगों को बताती हूँ। सो ये जो बाथर है ये कुछ इस तरीके का है। सबसे पहले तो देखिए कितना छोटा बन जाता है। सो ये बहुत ज़्यादा पोर्टेबल है, आप इजीली इसको कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं, इतना छोटा चीज़ है। और इसको आप कहीं पे भी जा रहे हैं अपने घर से बाहर, किसी के घर पे रुकने के लिए या फिर कहीं घूमने जाने के लिए, तो आप कैरी भी कर सकते हैं, क्योंकि ये टोटल चीज़ इतना छोटा हो जाता है फोल्ड होने के बाद। और इसको जब आप ओपन कर लेंगे सो ये कुछ इस तरीके से ओपन होता है। ये एक फ्लैप इस तरीके से ऊपर वाला पोर्शन, और नीचे आप इसको इस तरीके से ओपन कर सकते हैं, तो ये इस तरीके से बन जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आपको ये दिया गया है। सो इसको आप फिक्स कर लेना तो ये पूरा फिक्स हो जाता है। सो इसका जो पहले बता देते हैं, सो इसका जो है यूसेज आप 0 मंथ से लेके, मतलब एकदम न्यू बॉर्न बेबी से लेके अप टू 12 मंथ्स के बेबी तक, मतलब 1 साल के बेबी तक को आप इसमें नहला सकते हैं, या फिर अप टू 9 kg तक बेबी को आप इसमें नहला सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा ये रिस्की हो जाएगा, क्योंकि ये जो है इसका जो बेस है वो नेट से बना हुआ है, सो उसमें थोड़ा सा फिर रिस्क हो जाएगा। सो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो इसका जो बेस है, ये जो ब्लू कलर का आप रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा स्टर्डी है, मेटलिक बेस से बना हुआ है चारों तरफ का जो ये फ्रेम है, और ये एंटी स्किड है, क्योंकि बाथरूम में पानी, साबुन, शैम्पू ये सब कुछ रहता है। सो ये स्किड ना हो और बेबी को चोट ना लगे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ये एंटी स्किड है। अब ये जो है इसमें 3 पोजिशन आप इसमें कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे 3 इस तरीके का सेक्शन किया गया है। सो आप इसको जहां पे फिक्स करेंगे उस तरीके से ये हो जाता है, जैसे ये पूरा आप लेटा सकते हैं या फिर हाफ लेटा सकते हैं, या फिर अगर आप पहले वाले में देंगे तो ये सिटिंग पोजीशन भी होता है। आपके बेबी को जिस भी तरीके से कंफर्टेबल लगता है आप उस तरीके से इसमें नहला सकते हैं। और ये जो पोर्शन है ये फुट रेस्ट है, सो ये भी पूरा इस तरीके से ओपन हो जाता है और फिक्स हो जाता है, आप बेबी को इसके अंदर पूरा इस तरीके से लेटा के नहला सकते हैं। ये जो नेट है ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और कम्फर्टेबल नेट है, ये बिल्कुल भी चुभने वाला नहीं है, बेबी को एकदम भी इरीटेट नहीं करता है। और जब इसके ऊपर से आप पानी डालते हैं तो ये क्योंकि नेट है सो इसके अंदर से पानी जो है पीछे से बहुत इजीली निकल जाता है, या फिर शैम्पू साबुन जो भी आप यूज़ कर रहे हैं निकल जाता है, सो इसलिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जब आप कुछ दिनों तक यूज़ कर ले उसके बाद ये नेट जो है यहाँ से ओपन हो जाता है, इसको आप ओपन करके बहुत इजीली वॉश कर सकते हैं कोई भी माइल्ड बेबी डिटर्जेंट से, या फिर आप इसको मशीन वॉश भी कर सकते हैं। और इसके साथ जो है आपको यहाँ पे एक
फुट रेस्ट भी मिलता है इस तरीके का एक सॉफ्ट सा पिलो, जिसको आप यहाँ पे पीछे से इसको फिक्स कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली आपके बेबी के हेड के अकॉर्डिंग आप इसको छोटा या लंबा करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि इसके ऊपर बेबी का सर आ जाएगा और वो आराम से यहाँ पे लेट जाएगा और आप इसमें आराम से उसको नहला सकते हैं। जब पूरा हो जाएगा तब इसको बहुत ईजिली आप इस तरीके से फोल्ड करके, और इतना छोटा ये बन जाता है, आप कहीं पर भी इसको स्टोर करके रख सकता है। सो ये न्यू बॉर्न या छोटे बेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल एक चीज़ है, ये बहुत ही कंफर्टेबली तरीके से और सेफ तरीके से आप बच्चे को नहलाने के लिए ज़रूर ले सकते हैं। और ये मैं पर्सनली यूज़ करके फिर उसके बाद आपके साथ रिव्यू शेयर कर रही हूँ। सो मुझे जो है ये बहुत अच्छा लगा है, इसलिए मैंने ये आप लोगों के साथ शेयर किया। नेक्स्ट जो चीज़ बेबी को नहलाने के लिए ज़रूरत होता है वो है एक बेबी मग। सो हम लोग जो अपने लिए यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा साइज़ में बड़ा होता है और उसका जो पूरा ओपन होता है, सो उस पर आप पानी अगर बेबी को डाल रहे हैं सो बहुत ज़्यादा पानी एक साथ आ सकता है, सो बेबी के आँख में या फिर कान में इस तरीके से जा सकता है, बेबी अनकम्फर्टेबल हो जाएगा, रोने लगेगा। इसलिए बहुत ही एक बेबी मग होना ज़रूरी है जिसमें जो है पानी बहुत कंट्रोल तरीके से उनके ऊपर आएगा और उन लोगों को बिल्कुल भी अनकम्फर्टेबल नहीं होगा। सो इसलिए मैंने इस तरीके का एक बेबी मग मंगवाया है अमेजन से ही। ये बहुत ज़्यादा मतलब अफोर्डेबल है, इसका जो प्राइस है वो ये 199 रुपीज़ का है। ये ग्रीन कलर का इस तरीके का है, इसमें और एक ऑप्शन भी है पिंक, सो आप चाहे तो वो भी ले सकते हैं। सो ये जैसे देख सकते हैं इस तरीके से है, यहाँ पे बहुत ही स्टडी और एक हैंडल है जहाँ से आप इसको पकड़ सकते हैं, और सामने जो है इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं, इसमें कुछ टोटल 22 ऐसे ड्रेनेज होल है। सो आप बेसिकली क्या है इस तरीके से करेंगे तो यहाँ से बहुत ही कंट्रोल और बहुत ही हल्के से जो है पानी निकलेगा। सो आप इस तरीके से बेबी के ऊपर डाल सकते हैं, सो कोई भी एक्स्ट्रा पानी उन लोगों के पास नहीं जाएगा। और पीछे जो ये बड़ा सा कट है यहाँ से आप पानी जो है भर सकते हैं, ये आप पूरा जो ऊपर वाला कवर है इसको आप ओपन भी कर सकते हैं इस तरीके से, तो ये दोनों अलग चीज़ बन जाता है और इसको आप इस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं। सो ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। सो अगर आप छोटे बेबी को नहला रहे हैं सो इस तरीके का बेबी मग ज़रूर यूज़ कीजिए। जो कि हम लोग यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, वो आप ना यूज़ करें तो ही अच्छा है। नेक्स्ट जो चीज़ हम लोग को लगता है बेबी के नहलाने के टाइम पे वो है टॉवल। सो इसलिए मैंने दो टाइप के टॉवल मंगवाए हैं। सबसे पहला जो है वो इस तरीके का है, ये इतना सा बड़ा टॉवल है तो आप आराम से ये 2-3 साल तक यूज़ कर सकते हैं चाहे तो, और इसके ऊपर इस तरीके से प्रिंट बने हुए हैं। ये ऊपर वाला जो मतलब सामने वाला जो है ये बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा सॉफ्ट इस तरीके से है, फोम टाइप थोड़ा सा, और पीछे से ये ऑपोजिट साइड से पूरा क्लीन है। सो इसका जो प्राइस आया है मुझे 450 रुपीज़, और ये बैम्बू कॉटन क्लोथ से बना है। सो आप समझ सकते हैं ये बहुत ज़्यादा स्किन फ्रेंडली है, क्योंकि बेबीज़ के स्किन जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। सो हम लोग को बहुत सॉफ्ट और इस तरीके से जो मुलायम कपड़ा होता है वही यूज़ करना चाहिए। सो ये एकदम अल्ट्रा सॉफ्ट है, आपके बेबी के लिए बिल्कुल सही रहेगा, आप यूज़ कर सकते हैं आराम से, और ये हाईली एब्जॉर्बेंट है। सो आप नहला के इसमें बेबी को लेके आ सकते हैं। सो ये बहुत जल्द जो है पूरा जो वाटर है अच्छे से पूरा सोक कर लेता है, और इसको आप बहुत इजीली हाथ से या मशीन से कैसे भी आप वॉश कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए कि इस तरीके का जो सॉफ्ट कपड़ा है, हम लोग जो डिटर्जेंट यूज़ करते हैं अपने लिए वो यूज़ बिल्कुल मत करिए, नहीं तो इसका जो सॉफ्टनेस है वो ख़राब हो जाता है। जैसे मैं इन सब क्लोथ्स के लिए मीमी का जो बेबी डिटर्जेंट आता है वही यूज़ करती हूँ। सो इन केस अगर आप इस तरीके का कोई भी टॉवल या कपड़ा यूज़ करे हैं सो आप भी वो यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा डिटर्जेंट है। इस तरीके से आप अलग से भी वॉश कर सकते हैं या फिर मशीन में भी वॉश कर सकते हैं, और ये बहुत जल्दी सूख भी जाता है क्योंकि ये फास्ट ड्राइंग चीज़ से बना हुआ है। सो इस तरीके का एक टॉवल मैंने लिया है जो कि पूरा क्लीन है, और दूसरा जो टॉवल है वो कुछ इस तरीके का मैंने मंगवाया है जो कि इस तरीके का स्क्वायर शेप में आता है, और यहाँ पे जो है इस तरीके का हेड के लिए अलग से कैप बना हुआ है। सो आप जब बेबी को नहला रहे हैं सो इसमें आप बेबी के हेड को डाल सकते हैं, और इसको जो है पूरे बेबी के राउंड इस तरीके से आप रैप करके बेबी को इसमें ला सकते हैं, और ये भी उसी तरीके का सेम बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा सॉफ्ट मतलब मटीरियल से बना हुआ है। सो इस तरीके का जो है टॉवल आप अपने बेबी के लिए यूज़ कर सकते हैं।
अब जो बात करते हैं वो है टॉयलेटरीज के लिए। मार्केट में जैसे बहुत डिफरेंट ब्रांड्स अभी अवेलेबल है टॉयलेटरीज के लिए, बेबीज़ के जैसे शैम्पू, ऑयल इस तरीके से है। जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आपकी बेबी के लिए, आपकी बेबी के स्किन को जो सूट हो रहा है आप वो ले सकते हैं। मैंने जो परचेज़ किया है और पिछले 1.5-2 महीने से मैं जो यूज़ करी हूँ और मुझे अच्छा जो रिजल्ट मिला है मेरे बेबी के साथ यूज़ करके, मैं वो आप लोग के साथ शेयर करी हूँ। क्योंकि इसको यूज़ करके कोई भी इस तरीके से इरिटेशन या रेडनेस इस तरीके से मेरे बेबी को नहीं हुआ है अब तक। इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और वो है सेटोफिल ब्रांड का। मैंने ये एक ही ब्रांड के सारे ही चीज़ मंगवाए हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेबी ऑयल का। ये कुछ 200 ml का ये ऑयल का बॉटल है, और इसका जो प्राइस है वो है 630 rupees। ये बहुत ज़्यादा लाइट है, मतलब बिल्कुल चिपचिप नहीं करता है, बहुत अच्छे से मसाज करेंगे तो बेबी के जो स्किन है उसमें बहुत अच्छे से ये सोक हो जाता है, और एकदम भी ऊपर से ऐसे समझ में नहीं आता है कि ऑयल लगाया हुआ है। और ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, स्किन बेबी के स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ये सही रहता है। और ये जो है इसमें जो है शिया बटर है, इसमें सोयाबीन ऑयल है और सनफ्लावर सीड ऑयल है। इस तरीके से ये बेबी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद और अच्छा होता है, क्योंकि बेबी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है एक अच्छा मसाज ऑयल, जिसे आप डेली मसाज उन लोगों को करते हो और उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है। ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा लगा मुझे मसाज ऑयल, इसलिए मैंने लिया है। इसमें जो है विटामिन ई भी है, जो कि आपके बेबी की स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम उस तरीके से ही रखता है। इसलिए पहला जो है ये है बेबी ऑयल। नेक्स्ट जो बात करते हैं वो सिटाफिल का ही है, और ये है सिटाफिल का बेबी शैम्पू। ये भी डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, और ये 230 ml का बॉटल है। यहाँ से ऊपर से ये ओपन हो जाता है, और इसका जो प्राइस है 660 rupees है। ये बहुत ही कम लगता है बेबी को यूज़ करने के लिए, बहुत ज़्यादा ये जेंटल और माइल्ड है, और इसमें जो है ये सोप फ्री है, और इसमें कोई भी जैसे मिनरल ऑयल या एल्कोहल या पैराबेन इस तरीके से कुछ भी इसमें नहीं है। बेबीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मतलब सेफ होता है। ये हाइपो एलर्जिक है, और इसमें जो है मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी दिया गया है, जो कि बेबी के हेयर को, स्किन को बहुत जेंटल रखता है। और ये टीयर फ्री है, बाय चांस अगर आप वॉश करे हैं तो फेस पे जा सकता है, तो उसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है, ये आपके बेबी के आईज़ को या फेस को बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा। नेक्स्ट जो है मैंने ये बेबी शैम्पू मंगवाया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है। और इसके बाद नेक्स्ट जो है मैंने सिटाफिल का ही बेबी सोप भी मंगवाया है, और ये पर जो बार है वो 200 rupees कॉस्ट होता है एक सोप का। और ये भी पैराबेन फ्री है, मिनरल ऑयल फ्री है, बहुत ज़्यादा मतलब जेंटल है। और इसमें जैसे लिखा है इसमें भी जैसे शिया बटर है, ऑलिव एंड एवोकाडो ऑयल है, और ये भी मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है आपके बेबी को। बहुत ज़्यादा हार्श नहीं है और बहुत ज़्यादा ओवर ड्राई भी नहीं बना देगा आपके बेबी के स्किन को, ये बिल्कुल भी इरीटेट नहीं करेगा आपके बेबी के स्किन को, क्योंकि ये पैराबेन भी फ्री है। इस तरीके से बहुत माइल्ड बार है ये आप ले सकते हैं। और इसके अंदर जो है इस तरीके के अलग से कवर में आपको सोप आता है, और इसके साथ इस तरीके का आपको एक स्टैंड भी दिया जाता है, जिसके ऊपर यूज करने के बाद आप सोप को रख सकते हैं। एक्स्ट्रा जो पानी वगैरह है वो नीचे से ड्रेन हो जाएगा, सोप जो है वो बिल्कुल खराब भी नहीं होगा, और इस तरीके से हाइजीन वाइज भी ये बहुत अच्छे से रख पाएंगे आप। और लास्ट जो चीज़ मैंने मंगवाया है सेटाफिल का ही है, वो है इस बेबी लोशन, और ये इस तरीके का पंप बॉटल में आता है, तो लेने में बहुत ज़्यादा ये इजी है। ये पूरा 400 ml का एक बॉटल है, जिसका प्राइस जो है वो 755 rupees है। ये भी डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, ये न्यूट्रिशिंग लोशन है, और ये जो है इसमें भी शिया बटर है, विटामिन ई है एंड विटामिन B5 भी है, बहुत ज़्यादा जेंटल है आपके बेबी के स्किन में। ये जो चार चीज़ है ये लगातार मैं डेली बेसिस पे यूज़ कर रही हूँ, और मुझे जो है बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। अगर आप न्यू बॉर्न बेबी के लिए या छोटे बेबी के लिए लेना चाहते हैं, या फिर किसी को आप गिफ्ट करना चाहते हैं, सिटाफिल के प्रोडक्ट्स को आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं।
सो ये था आज का मेरा वीडियो जिसमें मैंने कंप्लीट सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया जो कि बेबी के बाथिंग रिलेटेड है. अब आप बेबी को नहला रहे हैं सो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ सकती है. सो ये वीडियो अगर अच्छा लगे सो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. इन सभी के परचेज लिंक ऑब्वियसली आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. चलिए बहुत जल्द मिलेंगे कोई नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेके, तब तक अपना ध्यान रखिएगा. बाय.